और इसमें सबका प्यार और आशीर्वाद की जरूरत है, क्योंकि देखिए भोजपुरी को बचाने के लिए सिनेमा ही है जो भोजपुरी को बचा सकता है, गाने तो नहीं बचा सकते, क्योंकि गाने तो हम शुरू से गाने गा ही रहे हैं और उस गाने में सिद्ध हमने अपने आप को बड़ा किया है। मुझे भी अब फील ये चीजें होती है कि चलो उस समय समझदारी नहीं थी तो हमने सिर्फ पैसे के लिए काम किया और अपने आप को बड़ा करने के लिए किया, लेकिन आज तो हम बड़े हो गए हैं, जब हम कैपेबल हैं, पैसे भी है ईश्वर के दया से, आज नाम भी है लोगों के दिल में कि जगह भी है, तो मुझे लगता है कि भाषा के लिए अपने काम अगर हम करेंगे और भाषा को बेहतर करने की कोशिश करेंगे तो इस कोशिश में सब लोग आएंगे। और मैं सारे मैं जितने भी मेरे बड़े भाई भी हैं, जो भी हीरो हैं, जो भी हीरोइने हैं, जो भी मेरे छोटे भाई जो आ रहे हैं आजकल नई जनरेशन के, सबसे यही कहूंगा कि हम सबको मेहनत करने की जरूरत है, अपने बॉडी पे मेहनत करने की, अपने एक्टिंग पे, अपने टाइमिंग पे, हर चीज पे मेहनत करके, ताकि प्रोड्यूसर का भी नुकसान ना हो और हम एक बेहतर सिनेमा का हिस्सा बने और अपनी भाषा को बड़ा कर सके। तो बिल्कुल बस बिल्कुल यही अपील है। और कल रिलीज हो रहा है 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के दिन संघर्ष 2 का टीजर, तो सुबह आप 6 बजे कितना, सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे 6 बजे हो रहा है सर? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी 6 बजे हाँ, तो सुबह 6 बजे जितने भी जनता मुझे प्यार करती है और जो देख रही है और इस लाइव के घटने के बाद जो देखेगी, मैं सबसे यही अपील करूंगा कि सुबह 5 बजे नहा धोवा के रेडी हो जाने का, क्योंकि हमारे लिए महोत्सव है ये। संघर्ष जैसी मूवी बहुत कम बनती है, देखिए मूवी तो हम डेली बनाते हैं, डेली काम करते हैं सिनेमा में, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो जाती है जो दिल से जुड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं ये हमारे दिल के करीब है और मुझे आशा नहीं, ये विश्वास है कि लोग इसको प्यार देंगे। गाने आप सुनिए, गाने सुनने के लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे कहने का मतलब कि अपने भाषा को बड़ा करना है, अपने भाषा को दुनिया को बताना है कि हमारी भाषा में भी ऐसी चीजें होती है, तो हम सबको एकता दिखाकर ही काम करना पड़ेगा, तभी जाके संभव है, अदरवाइज एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो सबको मैं बेहतर मूवी के हिस्सा बनने का मौका मिले, मेरी भी शुभकामना है। और आपने शुरू किया है सर, तो अब हर आदमी कोशिश करेगा और कर ही रहा है अपना, ऐसा नहीं कि लोग नहीं कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और आप जैसे लोग हैं तो मुझे लगता है कि भोजपुरी और बड़े लेवल पे जाएगी और शुरुआत उसका संघर्ष 2 होगा। बिल्कुल 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 वो वही है, सब सबका एप्रिसिएशन वैसे ही रहना चाहिए, क्योंकि चीजें बड़ी होंगी तो सब बड़े होते, तो उसमें वो बेहतर होता है। और मैं एक बार सब आर्टिस्ट का, एक बार सब आर्टिस्ट का मैं आपको नाम दिखा देता हूँ कि कौन कौन से इस प्रोजेक्ट में सहयोग किए आपके लिए, आपको हमारी दिखा। पराग पाटिल जी, मेघाश्री, हाँ मेघाश्री क्या काम की है, माही श्रीवास्तव जी ने भी बेहतर काम किया है, और अब कृति कृति यादव तो मेरी बेटी है, मैं उसको बुरा कैसे बोल सकता, और उसने जो परफॉर्म किया है संघर्ष 2 में, मैं भी एक पल के लिए मॉनिटर पे था तो मैं देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि इतना अच्छा कर रही थी कि अजीब, मैंने होता है ना कि खुशी के एक आंसू गिरने लगे मुझे कि अरे यार मेरी बेटी इतनी बेहतर, हमारे विनीत विशाल जी हैं, अनूप अरोरा जी हैं, विनोद मिश्रा जी हैं, समर चतुर्वेदी जी हैं, और जे नीलम जी हैं, संजय पांडे जी, सुशील जी और सुशील भैया है हमारे जो बेहतर काम किए हैं, हम लोग के गार्जियन हैं बहुत, और प्यारे आर्टिस्ट हैं, और वैभव राय, बिल्कुल अखिल, और संजीव मिश्रा जी, देवेंद्र यादव, ओपी कश्यप, तो ये सबका सहयोग और प्यार ही है जो आज संघर्ष को बड़ा करने का काम किया है, और सबने 110% हमारे डीओपी प्रिंस भैया ने, और मेघा एक अदर भाषा के होके भी क्या परफॉर्म की है वो, और मैं तो उसके एक्टिंग का कायल हूँ, क्योंकि बड़ी सुलझी हुई लड़की है वो बहुत नेचुरल और एक्टिंग है, बहुत 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 नेचुरलिटी नेचुरल, बहुत और है। अपने टाइम पे काम करना, टाइम पे जाना आना, वो उसके अंदर बहुत, वो सेकंड खेसारी है। हाँ बिल्कुल, हाँ मैं तो यही देख रहा था कि जो आर्टिस्ट थे, मतलब इतने कष्ट वाली मूवी थी, काम करने के लिए बहुत कष्ट हुआ लोगों को, तो उसके लिए हम सॉरी बोलते, क्योंकि बहुत लोगों ने इतना मेहनत किया इसमें और सब लोगों ने बहुत प्रॉम्प्टली इस पिक्चर को कंप्लीट किया, मतलब हर एक आर्टिस्ट, जो अपने बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं उसमें और भी जो है, तो सबने आपको बहुत सपोर्ट किया बेसिकली, हाँ नहीं, बिल्कुल क्योंकि सर, हाँ क्योंकि बिल्कुल क्योंकि आपका सपोर्ट तो सबसे ज्यादा था ही उसमें, बट कभी किसी आर्टिस्ट ने कोई ये नहीं कहा कि नहीं ये चीज अब जो है ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो हर एक चीजों पे बैंकॉक से लेकर के जहां जहां भी शूट हुए हैं, अब पराग का जो वो
प्रॉब्लम क्या है कि वो एक शॉट को 15 बार करता है, तो वो एक प्रॉब्लम खाली आर्टिस्ट को होता था कि हमारे लिए और क्या परफेक्ट कर सकते हैं, सर है ना। एक सर ये 30 किलो का, प्रॉब्लम मैं थोड़ा तीस किलो का डिटेल आपने में जो जाता वो हूँ। हथियार दिया था मेरे को, हाँ 30 केजी का था वो, हाँ वही 30 केजी। हाँ ब्राउनी। और सच पूछने से सर, मैं सुबह शाम दोपहर जब मुझे आधे घंटे का भी टाइम मिलता था तो मैं ना नाश्ता करता था और ना ही खाना खाता था। इंट्रोडक्शन वाले फाइट में जो हम लोगों ने 4 दिन की थी फाइट, और उस 4 दिन में जो मेरा बैंड बजा था सर, मैं 1 घंटे का भी टाइम मिलता था, सब लोग नाश्ता कर रहे तो तुरंत मैं जिम चला जा रहा हूँ, फिर आके शॉर्ट दे रहा हूँ, फिर आधे घंटे का अगर लाइटिंग हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, तो फिर जिम जा रहा हूँ मैं इस गल का लगातार नाम तो चार आलोचित दिन ब्राउनी और वो 30 केजी का जो उठाकर मूवमेंट करना है, कितना टॉप जॉब है। 30 केजी का चीज उठा लेके और दौड़ना है हमको, हमको है। भागना है सर, बहुत बहुत और बॉडी बैलेंस भी आपको बचाना है कि भाई बॉडी कहीं ना लगे कि हाँ हीरो नहीं उठाया, तो वो कंट्रोल करना मेरे लिए बहुत टॉप था। जो मेरा इंट्रोडक्शन था, जो हम लोगों ने पहला फोटो शेयर किया था लोगों के अंदर, तो वो चीजें थोड़ी सी, लेकिन ठीक है सर, जब चीजें हमारा फाइट मास्टर ने बहुत बेहतर है, मैंने क्या उसकी डिजाइन है और मुझे बहुत बहुत प्यारा अच्छा, लगे बहुत वो। अच्छा लगा, हाँ बहुत अच्छा लगा। तो नहीं, सब ये लोग चीजें बहुत चलिए, अप्रिशिएट करेंगे, बहुत बहुत सबकी मेहनत है, हाँ सबका सबने कुछ ना बहुत, कुछ। हमारे कानो जी ने, हमारे दिलीप मिस्त्री ने, मैंने सबने जो भी इससे जुड़े सबने अपना 110% दिया।